नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 14 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर समूचे देश में बाल दिवस 14 नवंबर को यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। दरअसल यूएन ने पहले 20 नवंबर 1954 को बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने से पहले 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए सर्वसम्मति से इसे 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया जाने लगा। चूल्हा चौका छोड़ बहू चली रैंप वॉक पे। बिहार के सारण जिले की बनियापुर प्रखंड के कोल्हुआ पीपरा गांव की बहू आरती सिंह राजपूत ने मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब अपने नाम कर अपना नाम बिहार के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है। आपको बता दें, आरती सिंह राजपूत मशरक कॉलेज के प्रोफेसर नागेंद्र सिंह की पुत्रवधु है। वहीं आरती सिंह के पति वरुण सिंह विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में काम करते हैं। ज्ञात हो आरती ने लगभग 20,000 महिला प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर यह खिताब अपने नाम किया है। इंटर और मैट्रिक का दूसरा डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए दूसरी बार डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपने डिटेल्स का मिलान करेंगे, अगर कोई गलती होगी तो उसे खुद से ऑनलाइन सुधार भी कर सकेंगे। ज्ञात हो सारे परीक्षार्थी एरर करेक्शन आज से सिर्फ 20 नवंबर तक ही कर सकते हैं। गुरु नानक पर्व पर राजगीर का माहौल होगा कुछ अलग। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के महाराज ने राजगीर के जमीन पर अपने चरण छुआ कर शीतल जल का फव्वारा उत्पन्न किया था, जिसके पश्चात अब इस स्थान पर गुरुद्वारा शीतल कुंड बन रहा है। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि इस प्रकाश पर्व पर राजगीर में 27 से 29 दिसंबर तक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने गुरु नानक देव जी के महाराज के एक ओंकार के मूल मंत्र से गुरु जी के समग्र और समरस समाज बनाने के सपने को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। अजीत की केबीसी मंच पर करोड़पति बनते देख झूम उठा समूचा हाजीपुर। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले अजीत कुमार सिंह कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 के चौथे करोड़पति बन गए हैं। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि करोड़पति के तौर पर जब मेरे नाम की घोषणा हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। यह मेरे लिए जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों में से एक था। अजीत के इस उपलब्धि से समूचे हाजीपुर में खुशी की लहर दौड़ रही है। अब रिटायर होने के अगले ही दिन से मिलने लगेगा पेंशन। पेंशन उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अगले साल रिटायर होने वाले कर्मियों को अब पेंशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार सरकार अगले साल रिटायर होने वाले कर्मियों के लिए विशेष प्लान बना रही है, जिसके पश्चात अब अगले साल रिटायर होने वाले कर्मियों की पेंशन के इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटायरमेंट के अगले ही दिन उन्हें पेंशन मिलने लगेगा। इंटर परीक्षार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अहम सूचना। बोर्ड ने इंटर के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख की घोषणा कर दी है। 13 से 30 नवंबर तक सभी छात्र छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ज्ञात हो अभी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी छात्र वर्ष 2021 की इंटर परीक्षा में शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सभी छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.seniorsecondary.biharboard.online.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं। बिहार में ठंड अपने पसार रहा है पैर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बिहार में मौसम में बदलाव दर्ज की जा सकती है। पछुआ हवा चलने से पूरे प्रदेश के न्यूनतम तापमान में मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में तापमान में 3.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में पछुआ हवा चलने के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है, जिससे लोगों को हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। नर्सरी के माध्यम से बेरोजगारों को दे रहे हैं रोजगार। अपने साथ साथ समाज के भी उत्थान के लिए काम करना यूं ही किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहां लोग सिर्फ अपनी भलाई में ही विश्वास रखते हैं। मगर इस मानसिकता से विपरीत तुरकोलिया प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में 51 वर्षीय एनामुल हक ने 6 एकड़ में फैले नर्सरी के माध्यम से खुद की बेरोजगारी तो दूर की ही, 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार का भी सुनहरा अवसर प्रदान किया। इतना ही नहीं, एनामुल हक साल के 3 महीने में कम से कम 40 बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया करवाते हैं। अब सुनिए दो बिहारी स्टारों की प्रेम कहानी। वो कहते हैं ना, इंसान अगर ठान ले तो वो किसी भी मुकाम को आसानी से हासिल कर लेता है। इसी बात की मिसाल है बिहार की दीपाली सहाय। आपको बता दें, बिहार की दीपाली सहाय जाने माने सिंगरों में से एक है, मगर आज हम दीपाली सहाय की गायकी की बात नहीं करेंगे, मगर उनके लव लाइफ को आपके समक्ष साझा करेंगे। दरअसल रियलिटी शो से निकले बिहार के दो बड़े स्टारों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। विवाह रचाने वाले ये दोनों स्टार ऐश्वर्य निगम और दीपाली सहाय है। मजेदार बात यह है कि ऐश्वर्य और दीपाली दोनों ही गायकी से जुड़ाव रखते हैं।
घोड़े को खल रही अनंत सिंह की कमी। सोनपुर मेले का आगाज हो चुका है। हर साल की भांति इस साल भी सोनपुर मेले में तमाम चीजें उपलब्ध होंगी। बस कमी होगी तो मोकामा विधायक अनंत सिंह की और उनके घोड़े की। आपको बता दें, हर साल अनंत सिंह अपने घोड़े के साथ मेले में शामिल होते हैं, साथ ही घोड़ों की रेस में भी भाग लेते हैं, लेकिन इस साल यह संभव नहीं हो पाएगा। खबरों की माने तो इस बात का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी पे पड़ा है तो वो है अनंत सिंह के घोड़े को। आपको बता दें, यह घोड़ा अनंत सिंह का सबसे खास और पसंदीदा घोड़ा है। सनहौला के आयुष ने इसरो में लहराया अपना परचम। बिहार की जग हसाई, भले ही कोई कितनी भी क्यों ना कर ले, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार की धरती से एक प्रतिभाओ ने पूरी दुनिया में अपना दमखम दिखाया है। अब ऐसा ही कुछ किया है बिहार के भागलपुर के आयुष कुमार ने। आयुष का चयन भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इसरो में वैज्ञानिक पद पर हुआ है। आयुष की इस उपलब्धि से उसके घर सहित गाँव में लोगों की खुशी का माहौल बना हुआ है। गेहूं चावल की आपूर्ति में चाहते हैं बचत तो आधार कार्ड जल्द ही बनवा लें। आम नागरिकों के लिए अहम सूचना, सस्ते दर पर चावल गेहूं की आपूर्ति अब आधार कार्ड पर ही आधारित होगी, जिसके पश्चात राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य होगा। इस बाबत पटना जिले में दिसंबर तक जन वितरण दुकानदारों को सरकार ने बायोमेट्रिक मशीन स्थापित करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब सभी राशन कार्ड धारकों को जन वितरण दुकानों पर जाने पर ही राशन आवंटित की जाएगी। लालू यादव की तेजस्वी को नसीहत। बिहार में महागठबंधन में चल रही रस्साकसी पर राजद सुप्रीमो लालू यादव अपनी नजर बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात के दौरान लालू यादव ने अपनी मंशा साफ करते हुए तेजस्वी यादव को साफ कह दिया है कि राजद का नाम मीडिया में खराब करने वाले नेताओं को बिल्कुल भाव नहीं दिया जाना चाहिए। गांव के हर घर से कचरे को उठाने की मुहिम तेज कर रही है सरकार। घर घर से उठाए गए कचरे का वार्मिंग कंपोस्ट बनाकर बिक्री करने से ग्राम पंचायत संस्थान को काफी मुनाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मुहिम में सरकार अब हर गांव में पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर खाद तैयार करने की योजना बना रही है। खाद कौन सी स्थल पर बनेगा, इसका चयन ग्राम पंचायत करेगी। आपको बता दें, यह कार्य जीविका संगठनों के माध्यम से कराया जाएगा। अध्यक्ष पद का दारोमदार संभालते ही बदले चिराग के तेवर। लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभालते ही चिराग पासवान के तेवर कुछ बदले बदले नजर आने लगे हैं। चिराग अपने फैसलों से अपने साथ साथ पार्टी की गरिमा को भी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चिराग ने पार्टी को विस्तार देते हुए यह साफ किया है कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि लोजपा दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी अब चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसा करने से हमारी पार्टी का ही विस्तार होगा। राजधानी दिल्ली में बिहार मंडप में होगा चार कलाओं का प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थीम पर सजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर तक किया गया है। आयोजित मेले में बिहार मंडप में चार प्रमुख शिल्प कलाओं का लाइव डेमो दिखाने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें, टेराकोटा शिल्प का लाइव डेमो पटना की नीतू सिन्हा, टिकुली कला का सबीना इमाम, सिक्की कला का मुन्नी देवी तथा स्टोन क्राफ्ट का प्रदर्शन संतोष कुमार गुप्ता करेंगे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सेल्फी लेने के दौरान युवाओं को किया सचेत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार शरीफ के भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील कुमार की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने युवाओं के बीच खूब सारा वक्त बिताया, ढेर सारी सेल्फीज भी ली, जिस दौरान उनका सुरक्षा घेरा टूट गया और वे युवाओं के बीच घिर गए। युवाओं से डीजीपी श्री पांडे ने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। कम समय में क्रिकेट मैदान तैयार करने की है चुनौती। हाल ही में हुए बारिश के कारण राजेंद्र नगर के नागरिकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे में राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में भी बारिश का असर देखने को मिला था। ऐसे में स्टेडियम को दोबारा खेलने लायक बना पाना किसी चुनौती से कम नहीं है, मगर बीसीए के पिच क्यूरेटर देवीशंकर ने कहा है कि स्टेडियम को रणजी ट्रॉफी के फील्ड के लायक बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि महीने भर के अंदर मैदान तैयार हो जाएगा। फिलहाल बीसीए स्टेडियम को तैयार करने में जुटा है। अंडर 23 मेंस वनडे में बिहार के बल्लेबाजों का रहा बोलबाला। अंडर 23 मेंस वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार के बल्लेबाजों का बल्ला बोल रहा था, जिस कारण बिहार ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा और लगातार छठी जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। इसके पहले उसने पुडुचेरी को 46 रन, नागालैंड को 8 विकेट से, मणिपुर को 77 रनों से, असम को 2 विकेट से, अरुणाचल प्रदेश को 91 रन से, वहीं आखिरी मैच में बिहार टीम ने मेघालय को 7 विकेट से मात दी है। मधेपुरा में होने जा रहा है रग्बी प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन मधेपुरा में 13 नवंबर से 15 नवंबर तक राज्य स्तरीय रग्बी बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सारी तैयारियों को पूरा करके इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद मधेपुरा जिला कबड्डी संघ सचिव अरुण कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों की हर सुख सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। वहीं सभी खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था केशव कन्या उच्च विद्यालय में की गई है। कटिहार जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। कटिहार जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों का भ्रमण करना ना भूलें। गोगाबिल झील, गोरखनाथ मंदिर, गांधी घर, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा,
बड़ी दुर्गा मंदिर, पीर मजार और गौरी शंकर मंदिर जरूर घूमने जाएं। पटना से कटिहार जाने के लिए खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 8 घंटे का सफर करना होगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी लगभग 8 घंटे का ही सफर करना होगा। पटना से कटिहार बाय रोड की दूरी NH 27 से 303.2 किलोमीटर है। बाथटब में दिखी मोनालिसा। भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री इन दिनों टीवी पर स्टार प्लस के मशहूर शो नजर में अहम भूमिका में नजर आ रही हैं। अक्सर मोनालिसा सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियोस के लिए चर्चाओं में बनी रहती हैं। ऐसे में मोनालिसा ने अपनी एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें मोनालिसा बाथटब में नहाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से मोनालिसा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप और सुबह के वक्त धुंध के साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धूप और हल्की धुंध के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। भाजपा शिवसेना के ब्रेकअप का असर दिखने लगा है बिहार में भी। भाजपा और शिवसेना के 30 साल पुरानी दोस्ती में दरार आने के बाद एनडीए की दूसरी बड़ी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने गठबंधन में आदर्श स्थिति के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। जदयू का कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाने से एनडीए के सभी दलों के बीच आपसी संवादहीनता और वैचारिक भिन्नता खत्म हो जाएगी। सभी एकजुट होकर चुनावी मैदान में खड़े होंगे। इसके साथ ही एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र बनाने की भी आवश्यकता है। बिहार न्यूज की तरफ से कल हमने आपसे सुझाव मांगे थे, जिसमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने बहुत से सुझाव पेश किए हैं। उनमें से हमारी टीम को जिनके सुझाव पसंद आए हैं, उनके नाम है जीवनजीत रोशन, आशीष कुमार। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खबरों को प्रसारित करने की मांग की है। इनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही नया सेगमेंट लाने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा मनोज कुमार, ऑनलाइन प्रोसेस ज्ञान और रजनीकांत ऋषु ने अपने सुझाव में ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की खबरों की मांग की है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको अपने 25 न्यूज के सेगमेंट में जल्द से जल्द शामिल करें। वहीं हमारी एक व्यूअर रुचिका रॉक्स ने बिहार की फेमस पर्सनालिटी और महत्वपूर्ण तारीखों और जगहों के बारे में जिक्र किया है। हम इसको भी जल्द से जल्द शामिल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जितने भी लोगों ने शिक्षा और जॉब की खबरों की मांग की है, उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही जॉब वैकेंसी के लिए अलग से साप्ताहिक रोजगार बुलेटिन प्रस्तुत करेंगे। अब जाते जाते आज की 25 खबरों में आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, उसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।